समझ में नहीं आया इतनी राजदारी की क्या वजह थी। अगर तुम्हारी मारिया के घर वालों से रिश्तेदारी थी तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम कैसे आए आज यहाँ पे? कोई मीटिंग तो नहीं थी? हाँ, मीटिंग तो नहीं थी, मगर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। शायद तुम्हें अंदाज़ा हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात करने आया हूँ। अंदाज़ा तो है मुझे, ये समझ में नहीं आया इतनी राजदारी की क्या वजह थी। अगर तुम्हारी मारिया के घर वालों से रिश्तेदारी थी तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अजय, हम दोनों का रिलेशन बड़ा प्रोफेशनल था, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं ये बात तुमसे शेयर कर पाता। और मारिया से मेरी दूर की रिश्तेदारी है, मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इस चीज़ का जिक्र करूं। और जब मेरी तुमसे पार्टनरशिप हुई तो मैं नहीं जानता था कि मारिया तुम्हारी बीवी है। लेकिन उसके बाद भी तुम इतनी मरतबा मेरे घर आए, मारिया से मुलाकात हुई, फिर भी? मारिया से रिश्तेदारी इतनी करीब नहीं थी, मैंने इसलिए बताना ज़रूरी नहीं समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी ऑफिस में सब ठीक चल रहा? हाँ, नताशा के डैड की तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू। अल्लाह रहम करे, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ तुम मुझे बताना। खैर, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे और फहद के घर वालों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा झगड़ा है। और अब मैं आपको क्या बात बताती, जिनके घर आना जाना ही नहीं है तो उसने ही नहीं बताया। सर, मगर फहद ने तो किसी जायदाद के तरके या झगड़े का जिक्र नहीं किया। Yeah.